तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ बाहर, बरो खुशी दोनों अभी खेलने के लिए गए हैं नीचे पार्किंग में। तो वहाँ पे झूला झूलना, स्लाइडिंग ये सब है, तो उस दोनों खेलते रहते हैं। वैसे तो टाइम उसका फिक्स ही है, शाम के टाइम ही मैं उसको खेलने के लिए जाने देती हूँ। 1 घंटा खेलते, 1.5 घंटा। तो आज छुट्टी है मेरी, तो मैं घर पे थी, हम दोनों घर पे थे, इस वजह से अभी गए हैं। और वैसे तो अभी शाम का टाइम ही हुआ है, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए, तो उन दोनों को भी साथ आना है। बोल रही थी मम्मा हमें भी आना है, क्योंकि बाहर घूमना ऐसा हो जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसे छुट्टी के दिन इतना चीज़ें खरीदने के लिए नहीं जाना, कहीं घूमने जाना हो तो अच्छा लगता है, लेकिन कल मुझे चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ें, इस वजह से जाना होगा। तो अभी ये यहाँ पर अभी लेटे हैं, थोड़ा बहुत उसको बैक पेन हो गया अचानक से, तो थोड़ी देर लेट गए हैं अभी, और मुझे अब अकेले जाना होगा। हम नहीं बोल रहे नहीं आना, तो मैं परो खुशी हम तीनों भी जा रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे में शायद वापस आ जाऊँ, क्योंकि थोड़ा बहुत दूर है यहाँ से। तो मुझे जाना है अभी डी मार्ट, जो कि गोंडल रोड पे डी मार्ट मार्केट है यहाँ का हमारा राजकोट में, तो वो भी मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो सबसे पहले बैग वगैरह सब ले लेते हैं, और बहुत सारी भीड़ होती है छुट्टी के दिन वहाँ पे, तो जल्दी निकलना होगा। वैसे टाइम तो वैसे 7 ही बजे है, अभी अभी सनसेट हुआ है, थोड़ी देर 7:45 बजे है, तो अभी जल्दी से जाते, फिर भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। चलो अभी निकल भी, अभी बैग सारे साथ में ले लिए, परम खुशी दोनों का अभी मास्क भी ले लिए, वो भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अभी केसेस बाहर बहुत बढ़ रहे हैं। तो अभी उन दोनों को साथ भी नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत घूमेंगे तो अच्छा लगेगा, तो दोनों को तो केयरफुली मैं लेके जाऊंगी। क्योंकि दोनों नीचे खेल रहे हैं, वहां से मैं पिकअप करके उसको जाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने मुझे उस दोनों को ढूंढना होगा। चीज लेना तो भूल ही गई थी, साथ में मेरा पर्स में भूल गई थी लेना, अचानक से नीचे पहुँचते ही याद है। कभी मैं नहीं भूलती हूँ, क्योंकि पर्स तो मेरा हमेशा साथ में ही होता है। आज पता नहीं फोन हाथ में था, सारे बैग थे हाथ में, कभी भूल गई, वापस जाना पड़ेगा। अभी कल ही ऐसा हुआ था, कल चाबी भूल गई थी, आज पर्स भूल गई, फिर से 12 मार्ग पर जाना, फिर नीचे आना, इसमें 10 मिनट लग जाएगा मेरा। चलो अभी आ गया ऊपर, जल्दी जल्दी पर्स ले लेते हैं, बाद में निकलते हैं। पीयूष बोल रहे होंगे ये वापस आ गई। ऐसे कोई शॉपिंग करता है पर्स बिना लेके? चलो अभी लेके चलते हैं वापस। तो वैसे मेरे पास पेटीएम तो था फोन में, लेकिन कई जगह पे सब्जी वगैरह सब खरीदना होता है, तो उसके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा ही नहीं होती। तो वैसे मॉल तो जाना था, लेकिन सब्जी दूध ये सब भी लेके आते, तो उसमें तो कैश हो चाहिए, तो फिर मुझे ये वॉलेट लेने आना पड़ा वापस। तो अभी हमारी लिफ्ट आ चुकी है, चलते हैं। अभी परोल खुशी दोनों को अभी बुला के निकलना है, मेरा ऐसे ही अभी 15-20 मिनट लिफ्ट आते जाते इसे में मेरा चला गया, अब जल्दी से निकलते हैं, वरना बाहर भी अभी देर हो जाएगी। अभी मॉल पे पहुंच गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और थोड़ी बहुत भीड़ भी दिख रही है, अभी बहुत सारे अभी गाड़ियां सामने पार्क है, तो अंदर भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन चलते हैं। वैसे तो आज कुछ काम नहीं है, इतना भी जल्दी करते हैं। कहाँ पे लग गई ऐसे, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चे इतने में कुछ नहीं होता। चलो अभी अंदर देखते हैं कि असीन बहुत सच में यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है।
गाइस हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत टाइम लिया, वैसे बहुत सारा मॉल में घूमे और बहुत शॉपिंग की और मेरे पैर दुखने लगे। तो बर्वा को अभी भूख लग गई और अभी हम और खाने का मन है मंचूरियन, क्योंकि पहले पानी पूरी खाएंगे, आज ना सॉफ्टी नहीं खाएंगे। सॉफ्टी तो मैंने मना किया क्योंकि मुझे है ना थोड़ी बहुत से खांसी है, मम्मा को भी है, हम दोनों को थोड़ी बहुत खांसी आ रही है। और खाएगा तो मुझे मन होगा कि नहीं, और मुझे एकदम सर्दी, एकदम बूंद भी नहीं है मेरे पे। चलो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर पास में अच्छी सी पानी पूरी मिलेगी तो आज खाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं खाई है। हम जब हरिद्वार में थे तब वहाँ पर टेस्ट की थी, लेकिन आज यहाँ पर टेस्ट करते हैं, बाद में कुछ खाएंगे, आगे देखते हैं। चलो तो अभी यहाँ पर सेवन फ्लेवर वाला पानी अभी मिल रहा है, डीजे पानी पूरी मॉल के पास में ही है। अभी हम खाने वाले मीठे वाले गोल गप्पे, तो चलो चलो अभी पानी पूरी खाते हैं। और यहाँ पे भी हम खड़े हैं पार्सल लेने के लिए, पार्सल ले लेंगे। और हमने ऑर्डर किया है मंचूरियन एंड सैंडविच, और आपको खाना था मंचूरियन, तो अभी मंचूरियन लेने के लिए आए हैं। पूरे राजकोट का व्यू देखो, हिमालय प्रदेश देख लिया होगा, हरी जी राजकोट नहीं देखा हो। हमारा पार्सल आ गया, चलो घर पे आ गए हैं और सीधा ही खाना खाने बैठ गए यहाँ पर, क्योंकि चाइनीज बेड आई थी तो ठंडी हो जाती इसकी, जल्दी से खाना खाने बैठ गए। चाइनीज बेड इज वेरी टेस्टी। हाँ तुम्हें तो टेस्टी लगता है, बाहर का किसको फिर आप बोलोगे मेरा खा गए। तो ये हमारा आ गया सब ग्रोसरी का सामान, मिक्स दाल है, पीज, बेसन, सॉल्ट, मैदा, और ये दोनों बच्चों का सामान, चोकोस है पर्व के। चलो अभी ये बटर चीज, चलो ये दोनों अभी फ्रीज में रख के आओ। और ये हमने एक बास्केट ली है जिसमें हमने ये दो लिए हैं। हाँ ये वाला लिया है, अच्छा वाला था प्लास्टिक, और ये दोनों कलर्स भी थे ब्लू एंड ग्रीन, पर अभी ये अच्छा। तो वैसे ये मॉइस्चराइजर क्रीम है ओल्ड टाइप स्किन के लिए, ये भी बहुत अच्छा है, और मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करती हूँ जो मुझे ये पसंद आता है।
मैं हर एक सीजन में ये वाला यूज करती हूँ। अभी ये खत्म हो चुका था तो ये भी लिया। खाया था साबुन मैंने ना आपको ना एक साबुन ना ऐसे ये था ना सफेक्सर हाँ उसके ऊपर ना ऐसे ऐसे खाना तो सब कंप्लीट हो चुका है और अभी ये सब अपनी जगह पे सब मुझे ठीक करना है और बाकी सब थोड़ा बहुत काम करेंगे और कल सुबह से फिर से अभी शॉप पे चले जाना होता है काम पे चले जाना है तो अभी कल से वही स्टार्ट हो जाए। हाँ आज बाहर घूम के आया तो अच्छा लगा, बाहर का फूड खाने को मिला, शॉपिंग करने को मिला, ये सब मिला, इसलिए कल से होमवर्क स्टार्ट, पढ़ाई शुरू। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।